हेलो एंड वेरी वॉम वेलकम टू मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूँ चाना के पाटिया और हर बार की तरह हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है ढेर सारी टेक्नोलॉजी अपडेट्स, लेटेस्ट मोबाइल्स के रिव्यूज और भी होगा आपके लिए शो में बहुत कुछ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम शो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज के शो का लाइनअप। वाटरप्रूफ गैजेट्स की एक इंटरेस्टिंग लिस्ट, जियोनी ई लाइफ E7 को जानेंगे इन डिटेल, इस हफ्ते का हमारा ऐप पिक है विंकिट ऐप, और साथ ही आपको बताएंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में इस हफ्ते क्या रहा नया। हमारे और आपके गैजेट्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? पानी। अगर पानी हमारे गैजेट्स पे पड़ जाए तो वो वहीं के वहीं खराब हो जाते हैं। इसी को देखते हुए कई सारी कंपनीज हैं जो लेकर आ रही हैं मार्केट में वाटरप्रूफ गैजेट्स, और इसलिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गैजेट्स आपके लिए जो है वाटरप्रूफ, जिनको लेकर आप पानी में स्विम भी कर सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं इन गैजेट्स पर। गैजेट्स और पानी की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन सोनी ने हमें इस परेशानी से बचाने की काफी कोशिश की है और लगातार वाटरप्रूफ फोन्स लॉन्च किए हैं। पहले एक्सपीरिया जी, जी अल्ट्रा और अब बारी है जी सीरीज के सबसे नए मेंबर की एक्सपीरिया Z1 कॉम्पैक्ट, जो लुक्स में अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ब्लैक, व्हाइट, येलो और पिंक चार कलर्स में अवेलेबल है। फोन में मल्टीटास्किंग के लिए 2.2 GHz क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर विद 2GB रैम है। एंड्रॉइड 4.3 जेलीबीन OS पर रन करता है, साथ ही इंप्रेसिव 20.7 मेगापिक्सल रियर कैमरा है जिसकी इमेज क्वालिटी अच्छी है और ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी। सोनी एक्सपीरिया Z1 कॉम्पैक्ट की कीमत है लगभग 35,000 रुपए। वाटरप्रूफ टैबलेट की कैटेगरी में Z1 का सक्सेसर है Z2 टैबलेट, जो है 6.4 mm थिक। इसमें 10.1 inch ट्राइल्यूमिनस WUXGA डिस्प्ले है, 2.3 GHz क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर के साथ 3GB रैम है। टैबलेट में 8 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है और 2.2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। Z2 टैबलेट में 6000 mAh बैटरी है और ये एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन 4.4 किटकैट OS पर बेस्ड है। इस स्लिमेस्ट वाटरप्रूफ टैबलेट का इंतजार मार्च लास्ट 2014 में खत्म हो सकता है। वेरिएबल डिवाइस इस साल के ट्रेंड सेटर्स बन सकते हैं और ये है सोनी स्मार्ट बैंड SWR10। ये स्मार्ट बैंड एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स लाइफ लॉग ऐप की मदद से कनेक्ट होगा और इस्तेमाल करेगा ब्लूटूथ और NFC। इस ऐप की मदद से स्मार्टफोन के इमनेट्स से ट्रैक्ड वीडियोस को देख पाएंगे। ये स्मार्ट बैंड वाटरप्रूफ है और आपके रन, म्यूजिक, मूवीज को ट्रैक करेगा और साथ ही कॉल, मैसेजेस, ट्वीट, लाइक को सिंपल वाइब्रेटिंग अलर्ट के जरिए नोटिफाई करेगा। और जैसे ही आप कनेक्टेड एंड्रॉइड स्मार्टफोन से दूर जाएंगे आपको फिर भी अलर्ट मिलेगा। फोन के वॉकमैन ऐप को स्मार्ट बैंड से कंट्रोल कर सकते हैं। सोनी स्मार्ट बैंड SWR10 मार्च लास्ट 2014 तक मार्केट में दिख सकता है। मौसम चाहे कोई भी हो, फोटोज क्लिक करने की बात अलग ही होती है। यह है निकॉन कूलपिक्स AW110। कैमरा वाईफाई एनेबल्ड है, इसमें 16 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 5x का ऑप्टिकल जूम मिलेगा। 3 इंच OLED मॉनिटर है और इसमें 125:1600 तक ISO सेट कर सकते हैं। कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कूलपिक्स AW110 के साथ आप 18 मीटर्स पानी के अंदर तक ले जा सकते हैं और फोटोज क्लिक कर सकते हैं। ये कैमरा -10 degrees में भी काम करेगा और 2 meters तक शॉक प्रूफ है। ये कई कलर्स में अवेलेबल भी है। निकॉन कूलपिक्स AW110 वाटरप्रूफ पॉइंट एंड शूट कैमरा की कीमत है लगभग 16,000 रुपए। वैसे तो हम लैपटॉप्स को घर में ही यूज करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज के लिए कन्वर्टेबल PC की बात करें तो पैनासोनिक विंडोज 8 इक्विप्ड टफ बुक CFC2 का नाम आएगा, जिसकी कीमत है लगभग 1,00,000 रुपए। इसमें 12.5 inch HD डिस्प्ले और 5 finger कैपेसिटिव मल्टी टच स्क्रीन प्लस डिजिटाइजर है। इसमें लगभग 11 घंटे की स्टैंडर्ड बैटरी है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, 4GB रैम है और 320GB हार्ड डिस्क ड्राइव है। टफबुक CFC2 में स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड, टच पैड और पाम रेस्ट है।
वाओ, तो ये थे वाटरप्रूफ गैजेट्स जिनको देखकर हमें बहुत मजा आया, जिनमें से कुछ इंडिया में पहले से अवेलेबल है और कुछ जल्दी ही आने वाले हैं। वेल, इस लिस्ट को देखकर आपने ये अंदाजा तो जरूर लगा लिया होगा कि सोनी सबसे ज्यादा वाटरप्रूफ गैजेट्स बनाता है हमारे लिए, और इन सबका हम इंतजार करेंगे बहुत ही जोरों शोरों से। वेल, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे जियोनी ई लाइफ E7 को जानेंगे इन डिटेल। इस हफ्ते का हमारा ऐप पिक है विंकिट ऐप, और साथ ही आपको बताएंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में इस हफ्ते क्या रहा नया।